वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, आपकी ऑक्सीजन स्टेबल हो गई है। तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में आप बगैर सहारे के बैठना शुरू हो जाएंगी। आप कितनी लकी हैं मम्मी कि आपको इतनी खिदमत गुजार बहू मिली है। चलें आप नाश्ता करें, मैं निकलता हूँ। थोड़ी देर और रुक जाएं प्लीज। अब नहीं, एक्चुअली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो जरूरी जाना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी का ख्याल रखना। जी ओके मम्मी, खुदा हाफिज। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, शादी के बाद यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, उनके साथ यहाँ घूमूंगी वहां फिरूंगी, लेकिन सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। पूरे 2 महीने हो गए शादी को, एक दफा भी हमजा मुझे घर से बाहर लेकर नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कि आपका ख्याल कौन रखेगा। और एक आप जिसको अपने बेटे की खुशियों की कोई परवाह ही नहीं। कितना अच्छा होता ना कि उस एक्सीडेंट में अपने शौहर के साथ आप भी मर जाती, कम से कम मेरी जिंदगी तो सुकून में होती। दो महीने हो गए शादी को, 2 महीने से इस कबाड़ खाने में पड़ी हुई हूं मैं, एक दफा भी हमजा मुझे घर से बाहर लेकर नहीं गए, सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि हमजा कहते हैं कि मेरी माँ का ख्याल रखो, हर वक्त आपका ख्याल रखती रहती हूँ। हमजा के पता नहीं कितने दोस्तों ने हमें इन्वाइट किया था दावत, कहीं पे भी नहीं जा सके आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि हमारी सासू साहिबा बीमार हैं, उनकी खिदमत कौन करेगा? वैसे शर्मिंदगी तो होती ही होगी ना आपको, दुनिया की पहली मां है जो अपनी औलाद की खुशियों की दुश्मन बन गई। काश कि आपको मेरी बातें सुनाई देती, लेकिन क्या करें, आप तो सुन ही नहीं सकती। वैसे एक तरह से अच्छा ही है, बहरियां वरना इशारों इशारों में अपने बेटे को मेरी शिकायतें लगा मेरे खिलाफ भड़काती, तो जिंदगी अजाबों की रह गई जब से इस घर में आई। सायरा, सायरा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वाओ फ्लावर्स, आपको पता है ना मुझे फ्लावर्स कितने पसंद हैं? अम्मी को भी बहुत पसंद है फ्लावर्स, उन्हीं के लिए लाया। अच्छा हाँ, बहुत बहुत अच्छा किया आपने, अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी, है ना। चलो मैं देखे आता हूँ अम्मी को। हाँ शेपुर की माँ की कब्र पर सच है। ये बात कहीं अकेले? हाँ मैं अभी की नहीं, मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी तो मुझसे मिलने अकेली आती थी ना तुम, और कई दफा तो रुक भी जाया करती। टॉन्ट किया? मैंने टॉन्ट नहीं किया, किया है। टॉन्ट नहीं, नहीं किया है ना तुमने? हमजा एक बात बोलू? बोलो। वो ना अन्नू खाला की बेटी आई हुई हैं, तो मामा ने सबकी दावत रखी, और पता है सारे कजिन्स भी आ रहे हैं, मामा ने हम दोनों को भी इनवाइट किया है। बस थोड़ी सी देर के लिए चलेंगे अब, और जल्दी से वापस भी आ जाएंगे। I would love to sir, लेकिन तुम जानती हो मैं अम्मी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ लेकिन हम थोड़ी देर के लिए तो जाएंगे, फिर जल्दी आ जाएंगे ना वापस। सायरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अम्मी को ऑक्सीजन का मसला रहता है, किसी वक्त भी लेवल ड्रॉप हो सकता है, उन्हें अकेला छोड़ना इस टू रिस्की। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आंटी के लिए एक मेड रख लें, लेकिन
तुम जानती हो अम्मी के मामले में मैं तुम्हारे और अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मेट क्या करेगी, नौकरी करेगी वो, लेकिन तुम मम्मी को अपनी माँ समझ के उनकी खिदमत करती हो। जी बेशक ऐसे ही है, आंटी बिल्कुल मेरी माँ की तरह है और मैं दिल से उन्हें माँ भी मानती हूँ। ठीक है, इट्स ओके, हम नहीं जाते हैं, कोई मसला नहीं। तुम क्यों अपना प्लान कैंसिल कर रही हो? आपके बगैर जाऊंगी तो कजिन 100 सवाल करेंगे। एक दफा आंटी ठीक हो जाए उसके बाद मैं सबके गिले शिकवे मिटा दूंगी। तुम्हें पता है मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, मैं अच्छा हस्बैंड बन नहीं पाया। तुमने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया मेरे लिए और मैं आज तक तुम्हें कभी ना कहीं फैमिली डिनर पर लेके गया, ना सिनेमा, ना किसी रेस्टोरेंट में। मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ, ऐसे कि जैसे मैंने तुम्हें कैद करके रखा हुआ उस घर में। Come on, हमजा, क्या हो गया आपको? It's okay, कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी कभी इन सब चीजों पे कोई गिला तो नहीं किया ना आपसे। फिर अच्छा, अब छोड़े ना इन बातों को, मूवी देखते हैं। मैं देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं देख रहा था। इस औरत ने जिंदगी इससे ही अजाब करके रखती है, मूवी भी सुकून से नहीं देखने देती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन क्या ये मेरे बगैर नहीं हो सकता? ये रोमा सिचुएशन सर, मैं अम्मी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है सर, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, लेकिन अगर नहीं हो सका तो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दिस। जी जी सर, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके सर, बाय। इज एवरीथिंग ओके? बस ऑफिस का डेलीगेशन मलेशिया जा रहा है और बॉस चाहते हैं मैं भी उनके साथ जाऊं। तो कितने दिन के लिए जाना है? 10 दिन के लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें और मम्मी को अकेला छोड़ के कैसे जाऊंगा, जबकि बॉस ने तो कहा है कि अपनी वाइफ को साथ ले आओ। लेकिन तुम वहां जाके क्या करोगी? उल्टा तुम्हारा ध्यान तो यहीं फंसा रहेगा अम्मी की तरफ। जी तो आपके ना जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हो भी सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि बॉस ने कहा है कि तीनों की तीनों प्रेजेंटेशन मैंने बनानी है और होपफुली वहां से आने के बाद 100% प्रमोशन मिल जाएगी, और अगर नहीं गया तो इवन इंक्रीमेंट भी नहीं लगेगा मेरा। तो इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना, क्योंकि मुझे लगता है आपका जाना जरूरी है। अगर आप चले जाएंगे तो प्रमोशन हो जाएगी और वैसे भी जो हालात इस वक्त चल रहे हैं हमें जरूरत है। हाँ बस मैं सोच रहा हूँ कि अकबर भाई से बात करूँ इस बारे में, कि वो अम्मी को ले जाए कुछ दिनों के लिए अपने घर, या अपनी फैमिली को लेके यहाँ आ जाए। मुझे नहीं लगता इसमें पूछने की कोई जरूरत है, क्योंकि वो आपके सगे भाई हैं और अम्मी का उन पर बिल्कुल हक है। उन्हें चाहिए आंटी को कुछ दिन अपने घर रखें, उनकी उनकी खिदमत करें, नेकी कमाएं और औलाद होने का हक अदा करें।
अम्मी अम्मी सायरा सायरा जी जी पता भी है मौसम तब्दील हो रहा है अम्मी की ऑक्सीजन फ्लक्चुएट करती है फिर मास्क क्यों उतारा मैंने नहीं वो पता नहीं गलती से उतर गया होगा वो ध्यान रखा करो प्लीज इसीलिए लेकर आया हूं ना ऑक्सीजन सिलेंडर में और अब अम्मी के पास ही रहना कहीं मत जाना तुम ठीक है तो ये ऑफिस वालों ने तंग किया हुआ है आप ऑफिस चले जाएं मैं अम्मी के पास हूँ मैं ध्यान रखूंगी अम्मी का तुम ख्याल रखना अम्मी का और ये बैल अम्मी के हाथ के पास रखा करो प्लीज जी आप चले जाएं ऑफिस में हूँ मैं अम्मी के पास ही ध्यान रखना अम्मी का खुदा हाफिज मिल गया सुकून मुझे सुबह सुबह डांट पड़वा के आपके सारे ड्रामे ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अटेंशन सीकर कहीं की आप तो बस चाहती हैं कि सारे काम छोड़कर सिर्फ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं है ना सुबह सुबह डांट पड़वा दी मुझे मेरी तरफ से भाड़ में जाएं आप जो बोएगा वो काटेगा दुनिया का है दस्तूर वो पाएगा जो बांटेगा दुनिया का है आपकी चाय थैंक यू वेलकम अम्मी की तबीयत कैसी है अब सो रही हैं अभी वो बस अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब कर दे आमीन आपने भाई से बात की थी किस बारे में आंटी के बारे में आंटी को रहना है ना वहां कुछ दिन नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा मम्मी को छोड़ के अगर चले भी जाते हैं तो ध्यान तो यहीं बटा रहेगा उनके पास लेकिन आपकी प्रमोशन भी तो जरूरी है ना तो वो कैसे मेरी प्रमोशन या मेरी इंक्रीमेंट मेरी माँ की सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन हमजा देखो सायरा जिंदगी में ऐसे मौके बहुत बार मिलते हैं लेकिन वालिदैन दोबारा नहीं मिलते अच्छा मेरा बिस्तर अम्मी के कमरे में ही लगा दो जब तक उनकी ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होती मैं वहीं सोऊंगा उनके पास ठीक है मैं लगा देती हूँ आपकी केस थैंक यू अच्छा सर अब अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे तो तुम उनकी ऑक्सीजन का ख्याल रखना और मैं भी कोशिश करूँगा जितनी जल्दी ऑफिस से आ सकूँ आ जाऊँ जी ठीक है आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मैं अम्मी का ख्याल रखूँगी उनके पास ही रहूँ ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिए हेलो हाँ शिजा कैसी हो मैं क्या बताऊं यार मेरी जिंदगी तो कोहलू के बैल की तरह हो गई बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने गले की घंटी को ना हिलाता रहता है
और यहाँ मेरी सास, मेरी सास घंटी बजा बजा के मेरा दिमाग खराब करती रहती है। कहाँ का फन यार, मुश्किल से एक प्लान बना था मलेशिया जाने का, और वो भी मेरे मियाँ साहब ने अपनी माँ जी की वजह से कैंसिल कर दिया। सुन रही हो ये आवाज, हर वक्त का इनका यही है, इनको खाना खिलाओ, इनको पानी पिलाओ, ठंड लग रही है, कोई भी काम होता है बस बात बात पे बेल बजा देती है। अरे छोड़ो यार, बजाने दो, इनका तो रोज का काम है, भी सुन सुन के अब आदी हो चुकी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इनकी वजह से मेरा मलेशिया का प्लान कैंसिल हो गया। हाँ अच्छा, वो पता नहीं बेल की आवाज़ आना बंद हो गई है, मुझे दो मिनट दो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, खुदा हाफिज़, बाय। आंटी, 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 एक तो सुन भी नहीं सकती है ना। आंटी, आंटी उठे, आंटी, 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 पूरे 10 दिन हो गए आंटी को हमसे दूर गए, आंटी की कमी इतनी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे आसपास ही हैं। अभी कहीं से घंटी की आवाज आएगी और वो मुझे अपने पास बुलाएंगे। ऐसा ऐसा क्यों हुआ है हमजा? मैं आंटी के पास बैठी हुई थी, मैंने उनका हाथ थामा हुआ था और उनको ऑक्सीजन भी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी नहीं, कैसे अचानक कैसे हो गया ये सब? खुद को संभालो सायरा, तुमसे जितना हो सकता था तुमने किया, बेटियों से बढ़कर तुमने खिदमत की है मेरी माँ की। लेकिन उनका वक्त आ चुका था, जाना ही था उन्हें। पत,
पता नहीं, घर में बहुत घुटन हो रही, बहुत बहुत अकेलापन महसूस हो रहा। प्लीज प्लीज हमजा मुझे कहीं ले चलो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा घर में। ठीक कह रही हो तुम, जाने क्यों अकेलापन महसूस हो रहा है घर में। ये घर अपना अपना सा नहीं लग रहा मुझे। हमजा वो अगर आप बुरा ना माने तो हम मलेशिया चलते हैं ना, मेरा मतलब है कि अभी घर में दिल नहीं लग रहा, आंटी की बहुत कमी महसूस हो रही। अच्छा है थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा और आप भी थोड़ा इजी हो जाएंगे। हाँ ठीक कह रही हो, तो मामा की यादों से निकलना नामुमकिन हो गया। लेकिन क्या करें, मूव ऑन तो करना है। चलो मैं कल बॉस से बात करता हूँ इस बारे में। हेलो हेलो हमजा, कहाँ पे हैं आप? 5 बजे की फ्लाइट है, 2 तो घर पे ही बच गए। अब बस मैंने टिकट कलेक्ट कर लिया, निकल रहा हूँ यहाँ से। हमजा हेलो हमजा, क्या हुआ है मुझे कुछ? हमजा पहला खैर, फोन क्यों उठाए? जो बोएगा वो काटेगा, दुनिया का है दस्तूर यही। जो बोएगा वो काटेगा, दुनिया का है दस्तूर यही। वो पाएगा जो बांटेगा, दुनिया का है दस्तूर यही। जब जहर मिला के बातों में, जब जहर मिला के बातों में, तुम हर एक को धुदकारोगे और नश्तर भर के नफरत के तानों में जब तुम मारोगे, फिर वक्त भी तुझको डांटेगा। दुनिया का है क्या ख्वाब देखे थे ना मैंने, शादी के बाद हमजा के साथ यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, इधर घूमूंगी उधर फिरूंगी, लेकिन आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद होके रह गया। पूरे 2 महीने हो गए शादी को, एक दफा भी हमजा मुझे घर से बाहर लेकर नहीं गए। आप तो बस चाहती हैं कि सारे काम छोड़कर सिर्फ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। कितना अच्छा होता है कि उस एक्सीडेंट में अपने शौहर के साथ आप भी मर जाते, कम से कम मेरी जिंदगी तो सुकून में होती। क्या घुमंड ऐसे सवेरे पर, फिर वक्त भी तुझको डांटेगा। दुनिया का है दस्तूर, जो बोएगा वो काटेगा।